ये वो नक्शा है जो अंतरिक्ष मणि और छाया मणि तक पहुंचने का रास्ता बनाएगा। लेकिन ये नक्शा है कहाँ, ये कोई नहीं जानता। My God! अरे ये कबूतर तो चिट्ठी लेके आया है। जाओ दोस्त, सारा आसमान तुम्हारा है। ये चिट्ठी में तो छाया मणि तक रास्ता बना हुआ है, लेकिन ये किसने भेजा होगा? यश अपनी बाइक लेता है और छाया मणि ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चिट्ठी में लिखा है कि छाया मणि एक प्राचीन गुफा में रखी हुई है और दक्षिण दिशा में मौजूद उस गुफा तक पहुंचने के लिए यश को पहले एक पहाड़ को पार करना होगा। बर्फ की चादर से ढके हुए विशालकाय पहाड़ की कहानियां इतनी खौफनाक है कि कोई वहां जाने की कोशिश नहीं करता है। लगता है यही वो पर्वत है, लेकिन ये तो बड़ी आसानी से मिल गया। चिट्ठी में तो लिखा था यहाँ तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है। ये तुम हो, मैं तो डर ही गया था। भाई ये कौन खड़ा है इस सुनसान पहाड़ पे, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे इसे ही तो मैं ढूंढ रहा था। मैं नक्शा नहीं दूंगा। रुको फ्रेंड्स, रुको, मुझे बताओ तो ये क्या हो गया है तुम्हें? बस बहुत हो गया। स्वामी कार्तिकेयन के आश्रम में मेडिटेशन की वजह से रजनी ने स्वयं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है। अब रजनी अपने भूतकाल की हर एक याद को अपने अंदर झांककर देख सकती है। रजनी अपनी यादों को फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का प्रयास करती है। तब उसे अपनी परछाई की एक झलक दिखाई देती है। फिर कभी उसे सिर्फ अपनी बॉडी दिखाई देती है, कभी परछाई, कभी सिर्फ बॉडी। उसका मन नियंत्रण खोने लगता है। रजनी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है तो उसे सिर्फ अपनी परछाई दिखती है, उसका शरीर नहीं। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। रजनी को एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है। वह जानती है कि उसके पास कुछ अलौकिक यानी सुपर नेचुरल पावर्स है, पर कौन सी ये वो नहीं जान पाती। रजनी के शरीर से हीट फ्लो होने लगती है। तभी स्वामी कार्तिकेयन आकर रजनी के सिर पे हाथ रखते हैं और रजनी शांत हो जाती है। इन सब घटनाओं का कारण है छाया मणि जो विक्रांत ने रजनी के शरीर में डाल दिया था। इसी छाया मणि की वजह से रजनी का शरीर रियल वर्ल्ड में होने के बावजूद यश उसकी परछाई को देख नहीं पाया था। लेकिन क्या शक्तियां हैं इस छाया मणि में, ये बात ना तो रजनी को पता है ना ही यश को। ईशा को काफी टाइम से घोष स्थान देखना था। सुना है घोष्ट स्थान बहुत सुंदर है, आज यश को सरप्राइज देती हूँ और घोष्ट स्थान देखकर आती हूँ। वाओ,
गोस्ट स्थान बादलों में छुपा हुआ है, कितना ब्यूटीफुल है। ईशा अपने बैट के साथ वहाँ पे लैंड करती है। जैसे ही वो नीचे उतरती है तो गोसिस्तान की हालत देखकर वो शॉक हो जाती है। वाओ, यश का घर भी बहुत अमेजिंग है, लेकिन ये इतना गंदा क्यों है? ईशा पूरे गोसिस्तान में यश को ढूंढने लगती है। अच्छा तो यश अपने भूतों को पकड़ने के बाद यहाँ रखता है। टूटा हुआ पॉट, इसका मतलब हुआ कि ईशा को ना ही यश की बाइक मिलती है, ना यश की गन मिलती है और ना ही यश मिलता है। ईशा थक के स्विमिंग पूल के पास आके बैठ जाती है। अब कहां ढूंढूं इस मणि को? पूरा इजिप्त तलाश लिया, मणि नहीं मिला तो वल्चस मुझे मार देगा। अंतरिक्ष मणि, ये नाम कभी मत भूलना प्रियंका। एक बार ये हमारे हाथ में आ गया तो हम अंतरिक्ष पर नियंत्रण पाकर धरती पर अंतकाल के लिए अंधेरा कर सकते हैं, और फिर कोच यूनिवर्स का दरवाजा भी अंतकाल के लिए खुल जाएगा। पर इजिप्ट ही क्यों? क्योंकि मेरे खबरी ने विक्रम को आखिरी बार इजिप्ट में ही देखा था। क्षमा करना वल्चस प्रभु, अगली बार मेरे फैसलों पर सवाल मत उठाना। मेरा खबरी जो उल्लू का रूप बनाकर घूम रहा है, वो मुझे हर एक क्षण की खबर देता है। मेरी दी हुई शक्तियों की वजह से यश तो क्या कोई भी कोच डॉक्टर उसे पहचान नहीं पाएगा। उधर भील का कोई पता नहीं था। सारे कबीले के लोग परेशान हो गए थे, लेकिन भील अभी तक वापस नहीं आया था। भील के जाने से कबीले में भूतों का आतंक बहुत बढ़ गया था। जब भील कबीले में रहता था तो पूरे कबीले की रक्षा करता था। भील कहाँ है? प्रिंस के राज्य चलो, अब वो ही हमारी मदद कर सकता है। कबीले के सारे लोग मदद मांगने के लिए प्रिंस के राज्य में पहुंच जाते हैं। जैसे ही प्रिंस को पता चलता है कि भील के कबीले के लोग यहाँ आए हैं, प्रिंस उनके स्वागत के लिए तरह तरह की मिठाई बनवाता है और सारे लोगों को खाना खिलाता है। आइए पधारिए। फिर कबीले का एक आदमी प्रिंस से कहता है, सरकार, हमारे भील का कोई आता पता नहीं है। भील के न होने से कबीले में भूत आने लगे हैं, सब कुछ बिगड़ते जा रहा है। प्रिंस तुरंत यश को कॉल करता है, लेकिन यश कॉल रिसीव नहीं करता। कुछ तो गड़बड़ है, यश कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, मुझे अभी जाना होगा। लेकिन ये क्या दुविधा है, प्रिंस ने खुद यश को नीचे गिराया है और अब खुद यश को कॉल कर रहा है। अरे वाह, मुझे तो हीरा मिल गया, मेरी तो लॉटरी लग गई। आ आओ, हे भगवान, ये लावा कहां से आया? क्या है ये? ये
ये एक लॉकेट है जो मुझे एक बहुत ज्ञानी बाबा ने दिया था। ज्ञानी बाबा? ऐसा कौन सा खास ज्ञान है ये उसके पास? अरे ये कोई मामूली बाबा नहीं है, ये ऐसी जड़ी बूटी बनाना जानते हैं जिससे इंसान की उम्र भी घट सकती है। What nonsense! तुम लोग कभी अपने अंधविश्वास से बाहर नहीं आओगे? तुम लोग भले ही उसे अंधविश्वास कहो, लेकिन हमारे लिए तो यही डिवाइन ट्रूथ है। ये रास्ता भी आजमा कर देख लेता हूँ। अब यश को कहाँ ढूंढूं? उसके घर जाकर ही देखता हूँ। यश को सर्च करते करते प्रिंस कोशिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन यश घर पे नहीं था। ये निशान जाने पहचाने लग रहे हैं, इसका मतलब ईशा यहाँ आई थी। प्रिंस लाइट की स्पीड से उड़ने लगता है और पूरे जंगल में सर्च करने लगता है। तभी उसकी नजर ईशा पे पड़ती है। ईशा बहुत गुस्से में थी और वल्चर्स को सर्च कर रही थी। वो रही ईशा। रुक जाओ ईशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे सामने मत आओ प्रिंस, मैं आज वल्चर्स को मारकर ही दम लूंगी। ईशा मेरी बात सुनो ईशा, यश का कोई पता नहीं है। ईशा एक बार यश मिल जाए फिर हम साथ में मिलकर वल्चर्स को मारेंगे। वल्चर्स ने मेरी मम्मी को, नहीं प्रिंस नहीं, ईशा की मम्मी। ईशा तुम्हारी मम्मी अभी जिंदा है? प्रिंस कहाँ है मेरी मम्मी, बताओ कहाँ है मेरी मम्मी? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वल्चर्स ने तुम्हारी मम्मी को कैद करके रखा है। मैं आपको बचाने जरूर आऊंगी मम्मी। वही मार्केट में। आओ आओ बहन जी, सब्जियां ले लो। भैया दो कद्दू तोल देना जरा। आलू ले लो प्याज ले लो। अल्लाह के नाम पे मेरे को खाना खिला दो, मेरी हालत देखो। अरे दूर हो यहाँ से, भूखा हूँ, मेरे को खाना खिला दो। अरे भगवान, फिर आज क्या बना रही हो खाने में? अरे ये कौन है? भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ओह, तो तुम्हें पैसा चाहिए? ये लो है। क्या प्रिंस और ईशा यश को ढूंढ लेंगे? और कहाँ है यश की माँ और ईशा की माँ? ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में।